हेलो गाइस, ये है यादव गौरव लॉ और आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट केसेस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। 22 केसेस इसमें मैंने डाले हैं। अब ये देखो 22 केसेस मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, इनके अलावा भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई केस मिस भी कर दिया हो, तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगर मैंने कोई मिस कर दिया है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा वो सारे केसेस का, अगर मैंने कोई मिस किया हो तो। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जैसे केसेस इंटरनेशनल लॉ में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारे हैं यार, लेकिन अब सारे तो नहीं पढ़ सकते हम, 200-400 केस हो जाएंगे और इतना पढ़ना प्रोडक्टिव भी नहीं है। तो जो केस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं वो अपन डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको सारे केसेस नहीं पढ़ने, कोई पर्टिकुलर केस पढ़ना है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे केसेस और उनका टाइम लिंक दिया होगा। और जब डिस्क्रिप्शन में जाके पर्टिकुलर केस पे जाके क्लिक करोगे ना, तो उसके साइड में एक सब्सक्राइब का बटन भी होगा, तो उस पर भी क्लिक कर देना प्लीज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस है हमारा एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी केस, यूके वर्सेस ईरान, 1952 का ज्यूरिसडिक्शन का ये केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि ईरान ने एक एक्ट निकाल दिया था नया, ठीक है, उस एक्ट के हिसाब से नेशनलाइजेशन कर दिया था उन्होंने ईरान के सारे ऑयल का और उसका सारा कंट्रोल। तो उससे पहले जो डील थी वो एक यूके की कंपनी के साथ डील थी जिसका नाम था एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी। तो इनके साथ डील थी कि आप डिस्ट्रीब्यूट और सब कुछ प्रॉफिट में रॉयल्टी वॉयल्टी शेयर मिलेगा इनको, लेकिन इन्होंने वो ट्रीटी तोड़ दी और इन्होंने नेशनलाइज कर दिया और दूसरी कंपनी को दे दिया। तो यूके ने बोला कि भाई हमारे साथ पहले से ट्रीटी हो रखी है 1933 में और वो ईरान ने तोड़ दी है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट के पास चले गए। ठीक है, फिर यूके ने बोला आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि जो 1933 का अग्रीमेंट है ना वो अपहेल्ड किया जाए और ईरान को बोला हमें डैमेजेस दे क्योंकि उन्होंने ट्रीटी तोड़ी है। कोर्ट ने बोला कि देखो, सबसे पहली बात तो जो डील थी वो यूके और ईरान के बीच में नहीं थी, वो यूके में एक बेस्ड कंपनी है उसमें और ईरान के बीच में थी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस मैटर में, कंपनी और स्टेट के बीच में है केस। ठीक है, ये स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में केस नहीं है। तो ये था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी केस। दूसरा केस है हमारा ज्यूरिसडिक्शन पे डैनजिग रेलवेज ऑफिशियल केस, 1928 का केस है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का। अब ये केस से पहले ये जानो कि एक फ्री सिटी ऑफ डैनजिग हुआ करती थी, सिटी स्टेट था ये लीग ऑफ नेशंस के प्रोटेक्शन में था। लीग ऑफ नेशंस इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करता था इसकी। तो पोलैंड ने जिम्मा ले रखा था रेलवेज वगैरह का और कुछ कामों का। तो डैनजिग रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ थे ना, वो उनके पोलिश एम्प्लॉयर थे और इनका कोई डिस्प्यूट हो गया कि भाई पेंशन और पे ढंग से नहीं मिल रही है उस बात पे। तो पीसीआईजे ने बोला कि हाँ भाई, डैनजिग सिटी और पोलैंड के बीच में ट्रीटी है, मगर ये ट्रीटी पे और पेंशन नहीं गवर्न करती, मतलब बेसिकली राइट्स और ड्यूटीज़, जो इंडिविजुअल की राइट्स और ड्यूटीज़ है ना, वो नहीं गवर्न करती है ये गवर्न करती है स्टेट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफरेंस होता है ना वो वाला। तो इन्होंने बोला नेशनल कोर्ट जाओ। तो ये था ज्यूरिसडिक्शन का केस कि कोर्ट ने बोल दिया हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट केस है एसएस लोटस केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी बार पूछते हैं। फ्रांस वर्सेस टर्की के बीच में था ये। अब इसमें क्या होता है, एक फ्रेंच शिप थी एक टर्किश शिप थी, फ्रेंच शिप की गलती थी और वो भिड़ गई जाके टर्किश शिप में और 8 टर्की के लोग मर गए। तो क्या हुआ, क्वेश्चन ये उठा कि टर्की का ज्यूरिसडिक्शन है क्या, मॉन्स्यूर डीमंस था उस आदमी का, फ्रेंच लेफ्टिनेंट का, जो वॉच ड्यूटी पे था, जिसकी मेजॉरिटी गलती थी वो भिड़ने पे और 8 लोगों के मरने पे। तो टर्की का ज्यूरिसडिक्शन है क्या केस ट्राई करने का, क्योंकि हाई सीज पे था और दोनों के शिप अलग अलग थे और अलग अलग नेशनैलिटी का, तो भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था। तो इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था कि इधर है ना, कोई रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो टर्की को प्रोहिबिट करे फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग डीमंस, ठीक है, क्योंकि वो एक फ्रेंडशिप पे था, ऐसा कोई लॉ है नहीं, क्योंकि जो एलिज्ड अफेंस हुआ है ना वो टर्किश वेसल के ऊपर हुआ है, फ्रेंडशिप ने करा है, और फिर वो सारे के बचे हुए सर्वाइवर फ्रेंडशिप पे आ गए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब इसमें लोटस प्रिंसिपल या लोटस अप्रोच बोल सकते हो वो बताया था, उसमें ये बोला गया था कि जब तक आप कोई लॉ वायलेट नहीं करते, जब तक सॉवरेन स्टेट जैसे मर्जी हो एक्ट कर सकते हैं। और इस केस में कोई लॉ हमको मिल नहीं रहा है जो टर्की के अगेंस्ट हो, तो उन दोनों का ज्यूरिसडिक्शन है, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, दो कोर्ट्स के पास या दो स्टेट के पास साथ में ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों में से कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। तो टर्की वालों ने पहले पकड़ लिया तो टर्की वाले प्रोसिक्यूट करेंगे, उनका पूरा राइट है। तो ये था एसएस लोटस केस। नेक्स्ट केस है मैवरोमैटिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस, ये भी ज्यूरिसडिक्शन का केस है, ग्रीस वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो अपना ऑयल वाला केस था ना, फर्स्ट वाला एंग्लो ऑयल कंपनी वाला, उससे थोड़ा अलग बात हुई थी इसमें, मतलब अपोजिट ही मान लो एक तरह से।
इस केस में मिस्टर मैवरोमैटिस थे, ग्रीक नेशनल थे। इनको ऑटोमन अथॉरिटी ने पब्लिक वर्क कराने के लिए पैलेस्टाइन में कंसेशन दे रखे थे। फिर बाद में वो पैलेस्टाइन की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश मैंडेटरी टेरिटरी बन गई, ठीक है। तो ब्रिटिश ने वो कंसेशन रूटनबर्ग को दे दिया, मिस्टर रूटनबर्ग को। तो वो कंसेशन जो मैवरोमैटिस को था वो अब रूटनबर्ग को मिल रहा था, तो मैवरोमैटिस का राइट थोड़ा वायलेट हुआ। तो इशू ये था कि अगर मैवरोमैटिस का राइट वायलेट हो रहा है तो मैवरोमैटिस करेगा ना केस, स्टेट कैसे कर रहा है, ग्रीस कैसे कर रहा है, ग्रीस का क्या राइट बनता है केस करने का, क्योंकि तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ना। लेकिन इसमें कोर्ट ने एकदम अलग ही ज्ञान दिया था। इसमें दिया था कि एक स्टेट का राइट है अपने सिटीजन के राइट्स का ध्यान रखना। सुनो, ये काफ़ी अजीब है, एक स्टेट का राइट है अपने सिटीजन्स के राइट का ध्यान रखना। तो अगर वो स्टेट इंडिविजुअल के राइट की बात कर रहा है आके कोर्ट में, तो एक तरह से अपना ही राइट एक्सरसाइज कर रहा है। तो जुरिसडिक्शन है ग्रीस वर्सेस यूनाइटेड किंगडम इस केस में। यही बात वो कंपनी के बेसिस, मतलब वो जो MNC थी ऑयल वाली, उसमें भी लग सकती है, लेकिन पता नहीं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इथोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लिक्वेरी। इस केस में क्या हुआ था, अडिस अबाबा कैप्चर हो गया था। ये अपन अब डी जोर डी फैक्टो वाले केसेस पढ़ रहे हैं। अडिस अबाबा कैप्चर हो गया था इटालो इथियोपियन वॉर में, इटली ने कैप्चर कर लिया था अडिस अबाबा इथोपिया में। फिर उसके बाद एक डिक्री पास की थी टू डिसॉल्व द बैंक ऑफ इथोपिया। तो ये डिक्री चैलेंज करी बैंक ऑफ इथोपिया ने। तो कोर्ट ने बोला कि जो इटालियन गवर्नमेंट है उसको डी फैक्टो रिकग्निशन मिल चुका है उस एरिया में, तो जो वो डिक्री दे रही है उस पर इफेक्ट लाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो डी फैक्टो रिकग्निशन मिलने के बाद वो एक तरह से गवर्नमेंट का स्टेटस थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो गवर्नमेंट की पावर्स भी आ जाती हैं, तो गवर्नमेंट डिक्री भी पास कर सकती है। तो इधर बोला कि वो डिक्री चैलेंज नहीं हो सकती, वो डिक्री सही है। बैंक ऑफ इथोपिया वर्सेज नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लिक्वेरी, डी जोअर डी फैक्टो का केस है ये। नेक्स्ट केस है डी जोअर डी फैक्टो में लूथर वर्सेज सागर। सागर ही बोल रहा हूँ मैं इसको, सागोर है लेकिन मैं सागर बोल रहा हूँ क्योंकि मर्जी मेरी। लूथर वर्सेज सागोर, सागर 1921 का केस है। इसमें क्या था, लूथर था यूके का सिटीजन, इसका टिम्बर का बिजनेस था रशिया में। रशिया ने सारे के सारे टिम्बर फैक्ट्री नेशनलाइज कर दिए, लूथर को छोड़नी पड़ी रशिया। लूथर रशिया छोड़ के आ गया वापस 1917 में यूके। फिर क्या हुआ, 1920 में सागर ने एक अग्रीमेंट करा रशियन नेशनलाइज बिजनेस के साथ फॉर सप्लाई ऑफ टिम्बर। मगर जब वो टिम्बर आया ना यूके, तो लूथर ने क्लेम करा कि ये एक्चुअली उसका टिम्बर है जो रशिया ने सीज किया था नेशनलाइज के टाइम पर, वो छोड़ के आ गया था। और यूके ने कभी रिकग्नाइज किया ही नहीं गवर्नमेंट ऑफ रशिया को, तो रशिया ने जो उसकी फैक्ट्री को टुक ओवर किया था ना नेशनलाइजेशन के टाइम पर, वो इलीगल था। तो यूके कोर्ट वैलिडेट नहीं कर सकता रशियन लॉ को, तो वो टिम्बर मुझे वापस दो क्योंकि जो रशिया ने एक्ट किए वो इलीगल है, समझ रहे हो। लूथर था यूके का सिटीजन, ठीक है, और वो रशिया में बिजनेस करता था, ठीक है। ये है यूके और ये है रशिया, सिटीजन वो था यूके का और वो बिजनेस करता था रशिया में। रशिया ने नेशनलाइज करा सब और उसको भगा दिया यूके वापस। फिर उसके बाद यहाँ पे सागोर ने डील करी रशिया से कि मेरे को टिम्बर दो। तो टिम्बर जब भेजा तो लूथर ने बोला कि ये मेरा टिम्बर है, और रशिया कभी रिकग्नाइज नहीं हुआ, तो जो रशिया ने नेशनलाइज करके इसको भगाया वो इल्लीगल था। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ड्यूरिंग दिस होल टाइम रशिया वॉज गिवन डी फैक्टो रिकग्निशन। ये जो 1917 से लेकिन 1920 का टाइम था ना, इसमें डी फैक्टो रिकग्निशन मिल चुका था। और डी फैक्टो रिकग्निशन मिलने पे, बेसिकली रेट्रोएक्टिव इफेक्ट होता है। रेट्रोएक्टिव समझ रहे हो, मतलब अगर मैंने कुछ एक्ट्स करी बहुत सारी, मैं स्टेट हूँ और मेरे को रिकग्नाइज स्टेट नहीं हूँ, तो फ्यूचर में मैं जब रिकग्नाइज होऊंगा तो मेरी पुरानी सारी एक्ट्स भी वैलिडेट हो जाएंगी। तो वो जो नेशनलाइजेशन किया था जो जब इलीगल था क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं थे, वो अब लीगल है, तो हम नहीं दे सकते इस आपका टिम्बर आपको वापस। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और डी जोअर डी फैक्टो का केस, लूथर वर्सेस सागर। नेक्स्ट केस है अरांतज़ाज़ू मेंडी केस। अब इस केस में क्या हुआ था, स्पेन में चल रही थी सिविल वॉर और यूके ने स्पेन के अंदर दो गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रखी, एक डी जोअर गवर्नमेंट जो पहले से वहाँ गवर्नमेंट थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट, और एक दूसरी जो उन्होंने डी फैक्टो रिकग्नाइज कर रखी थी वो थी रेबल गवर्नमेंट जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी। तो दोनों गवर्नमेंट ने सू करा ब्रिटिश कोर्ट में, किस चीज़ के लिए, अरांतज़ाज़ू मेंडी के लिए। अरांतज़ाज़ू मेंडी क्या था, इंसान नहीं था, शिप थी, वो एक शिप थी, स्पैनिश फ्लैग्ड वेसल थी जो खड़ी थी ब्रिटिश पोर्ट पे। तो दोनों ने सू करा कि हम दोनों इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है उसका राइट है क्या उस शिप पे, ये क्वेश्चन उठा था।
तो डिसीजन ये आया था कि डिफैक्टो गवर्नमेंट जो कंट्रोल जो स्टेट के जो एसेट्स हैं जो उसके कंट्रोल में है ना वही उन्हीं पे कंट्रोल होता है, लेकिन डी जोर गवर्नमेंट का अब्रॉड वाले स्टेट एसेट्स पे भी कंट्रोल होता है। लेकिन कोर्ट ने भी बोला था कि जब इफेक्टिव कंट्रोल टेरिटरी पे होता है ना गवर्नमेंट का डिफैक्टो रिकग्निशन उसको मिला हुआ होता है तो फॉरेन कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये मैटर डी जोर डिफैक्टो का भी है और ये केस ज्यूरिसडिक्शन का भी है। नेक्स्ट केस है डिफैक्टो डी जोर के कैटेगरी में सिविल एयर ट्रांसपोर्ट एंड कॉरपोरेशन वर्सेज सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसमें क्या था, कम्युनिस्ट रिवॉल्ट चल रहा था चाइना के अंडर और चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टुक ओवर कर लिया था काफ़ी टेरिटरी को, डिफैक्टो रिकग्निशन भी मिल गया था उनको और गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो पहले की गवर्नमेंट थी उसके बाद डी जोर रिकग्निशन अभी भी था। तो 40 एयरप्लेन की बात है इस केस में, 40 एयरप्लेन बेचे थे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने, मतलब पुरानी वाली गवर्नमेंट ने यूएस कंपनी को, सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बाद में डी जोर रिकग्निशन मिल गया था इस डील के बाद। मतलब यहाँ पे सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है ना इनको पहले डी फैक्टो रिकग्निशन था, फिर इनने ये डील करी और डील के बाद इनको डी जोर मिल गया। तो क्या हुआ, अब रिकग्निशन रेट्रोएक्टिव होता है ठीक है, तो डील कैंसिल करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन मिला ना डी जोर का, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन मिला ना डी जोर का नई गवर्नमेंट को, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, वो सक्सेसफुल इंसरक्शन की वजह से मिला है ठीक है, और इस केस में अनल की जा सकती है सेल ऑफ गुड्स बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ है ना ये प्रीवियस गवर्नमेंट के एक्ट्स को इनवैलिडेट नहीं कर रहा है, ये नई गवर्नमेंट के इंटेंशंस को वैलिडेट कर रहा है बेसिकली, समझ रहे हो। मतलब ये पुरानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन नहीं है, ये नई गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन पे लगा रहे हैं कि हाँ भाई तुम पहले नहीं चाहते थे डील तो तुम अभी भी कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट केस है फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन केस यूके वर्सेस आइसलैंड 1973 का केस है। इस केस में देखो सिंपल सिंपल ये हुआ था कि ये कोस्ट होता है ना, इस कोस्ट से कुछ एरिया तक आपका ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो ये 12 माइल्स कर रखा था दोनों इन कंट्रीज़ ने आपस में डील करके एक एक्सचेंज ऑफ नोट्स से। फिर लेकिन आइसलैंड ने अपनी ये 12 माइल से 50 माइल कर दी, ये स्केल के हिसाब सही भी नहीं है, काफ़ी ऊपर तक जाएगा, 50 माइल कर दी। तो इस पे इन्होंने बोला कि भाई हमने वो ट्रीटी जो एक्सचेंज ऑफ नोट्स है ना, वो जो ट्रीटी थी वो हमने वायलेट कर दी। क्यों, क्योंकि उसको ज़रूरी था उस ट्रीटी को टर्मिनेट करना क्योंकि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस में, ये लॉजिक होता है, मतलब ये रीज़न होता है आप ट्रीटी वायलेट कर सकते हो। लेकिन कोर्ट ने बोला कि जो तुमने लॉजिक दिया है ना, रीजंस दिए हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगते मुझे, वो सर्कमस्टेंसेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और उनको नहीं बोल सकते आप कि इट हैज़ ट्रांसफॉर्म रेडिकली द एक्सटेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शनल ऑब्लिगेशन दैट वॉज इम्पोज्ड इन द 1961 एक्सचेंज ऑफ नोट्स। तो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोर्ट ने बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकते, चलो भगो यहाँ से। तो ये यूके के फेवर में डिसीजन आ गया। नेक्स्ट केस है पोर्चुगल वर्सेस इंडिया, वाह 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 इंडिया का केस, इसको तो ध्यान से सुनोगे है ना, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी का केस था ये। अब इसमें क्या था, पोर्चुगल की बहुत सारे इनक्लेव्स थे ठीक है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ये दादर नगर हवेली दमन दीव वगैरह ऐसा टाइप का इनके इनक्लेव्स थे, लेकिन सिर्फ एक ही कोस्ट पे था ठीक है और बाकी सारे के सारे इनलैंड थे। तो इनको चाहिए था कि हमारे एक एनक्लेव से दूसरे एनक्लेव पे हमको जाने का रास्ता दिया जाए, स्टेट आपका है लेकिन हम एनक्लेव तक जाएंगे कैसे, जाएंगे ही नहीं तो एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, तो इनको रास्ता चाहिए था। इन्होंने ये भी बोला था कि हमारा जो ये रास्ते वाला कस्टम है काफ़ी सालों से चला आ रहा है और ये कस्टम की इंटरनेशनल कस्टम के जैसे माना जाना चाहिए, लोकल कस्टम के जैसे माना जाना चाहिए और कस्टम की वजह से हमको राइट मिलना चाहिए। तो ये राइट के बात पे, राइट ऑफ पैसेज पे डिस्प्यूट था। तो इंडिया ने बोला कि नहीं 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 ये कस्टम वस्टम कुछ नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई देखो 125 साल से ये चला आ रहा है ठीक है, और क्यों ये इनसफिशियंट है ये रीज़न लोकल कस्टम बनने के लिए समझ में नहीं आता हमको, तो तुम्हारे जो भी जनरल पनरल रूल है ना उनको हटाओ, ये लोकल प्रैक्टिस है और ये चलेगी। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई रास्ता मिलेगा लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं मिलेगा, आर्म्ड पुलिस के लिए नहीं मिलेगा, आर्म्स और एम्युनिशन के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, जर्मनी एक साइड थी, डेनमार्क और नीदरलैंड एक साइड थी। इस केस में क्या हुआ था, जर्मनी डेनमार्क और नीदरलैंड में डिस्प्यूट था कि डिलिमिटेशन ऑफ एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे किया जाएगा, डिलिमिटेशन मतलब बाउंड्री सेट करना। अब डिस्प्यूट ये था कि अगर इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल, इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है वो अगर लगाया जाएगा ना, वो अगर एज अ फॉर्मूला यूज किया जाएगा तो जर्मनी को लॉस होगा क्योंकि जर्मनी के कॉनकेव कोस्ट थे लेकिन डेनमार्क और नीदरलैंड के कॉन्वेक्स कोस्ट थे। तो जर्मनी की कोस्ट लाइन एक्चुअली लंबी थी लेकिन इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल के हिसाब से उनको कम सी मिल रहा था क्योंकि उनके कॉनकेव कोस्ट है और कॉन्वेक्स कोस्ट वालों को फायदा मिलेगा उस प्रिंसिपल में, जो कि डेनमार्क और नीदरलैंड थे।
तो जर्मनी को चाहिए था कि भाई जो लेंथ ऑफ द कोस्ट है ना वही फैक्टर होना चाहिए, उसी के बेसिस पर डिलिमिटेशन होना चाहिए, इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल ने पे नहीं होना चाहिए। लेकिन डेनमार्क और नीदरलैंड ने 1958 जेनेवा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कन्वेंशन साइन कर रखा था, वो बोलता था कि इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल के हिसाब से होगा, तो इनमें डिस्प्यूट हो गया। तो मेन क्वेश्चन ये उठा कि इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है कि नहीं है, मतलब वो विदाउट एक्सेप्शन फॉलो होगा कि नहीं होगा। अब इस मैप में देखो, आपको थोड़ा याद रहने के लिए अच्छा रहेगा, मैप देख लो। अब ये जर्मनी की जो कोस्ट लाइन है ना, ये सारी की सारी कॉनकेव है, ठीक है। अब इनका कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल के हिसाब से इनको ये इतना ही एरिया मिल रहा है। लेकिन डेनमार्क और नीदरलैंड की कोस्ट लाइन एक्चुअली इन लेंथ जर्मनी से कम है या बराबर है जो भी, लेकिन इनको कोस्ट, इनको एरिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है पानी का, ठीक है। तो ये मेन जर्मनी की दिक्कत थी, कोस्ट लाइन की लेंथ के हिसाब से डिसाइड करो। इस केस में कोर्ट ने जर्मनी के फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि कन्वेंशन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाए और एकदम बाइंडिंग हो जाए सारी कंट्री पे जो वो कन्वेंशन की पार्टी भी नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि एक कन्वेंशन इतना वाइड स्प्रेड और इतना यूनिफॉर्मली फॉलो हो रहा है कि कोई कंट्री पार्ट नहीं भी है तो उस पर भी वो लगेगा। लेकिन इधर ऐसा केस नहीं है, क्योंकि पहली बात तो जो आर्टिकल 6 ऑफ कन्वेंशन है जो इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल की बात करता है वो इतना क्लियर नहीं है, और दूसरी बात कि इसमें जर्मनी को अनजस्टिफाइबल डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें जर्मनी को जो घाटा हो रहा है वो जस्टिफाइबल नहीं है और अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ अगर ये वाला प्रिंसिपल लगाया जाता है, ठीक है। तो जर्मनी को एडिशनल शेल्फ जो चाहिए थी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में वो दे दी गई। इस केस को बोला जाता है एज एन एग्जांपल ऑफ इक्विटी प्रैटर लीगम, अरे यार सॉरी, ये इक्विटी प्रैटर लीगम, ये याद करने की चीज़ है, इसको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब है इक्विटी बियॉन्ड द लॉ व्हेन अ जज सप्लीमेंट्स द लॉ विद इक्विटेबल रूल्स नेसेसरी टू डिसाइड द केस एट हैंड। नेक्स्ट केस है आइलैंड ऑफ पालमास आर्बिट्रेशन केस, 1925 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, पालमास एक आइलैंड था और यूएसए और नीदरलैंड उसके लिए लड़ रहे थे। अब उसमें क्या बात हुई थी, बात यह हुई थी कि यूएसए ने बोला था फिलीपींस का पार्ट है और एज द सक्सेसर टू द राइट्स ऑफ स्पेन ओवर फिलीपींस वो उनका है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पैरिस साइन हुई थी 1898 में, उनके हिसाब से वो यूएसए का, यूएसए का ये क्लेम था। लेकिन नीदरलैंड ने बोला था कि उनका है वो, क्योंकि वो सॉवरेनिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर फ्रॉम 1677, बहुत पुराने टाइम से। तो टाइटल ऑफ यूएसए जो है ना इसमें है, उनका भी है, ट्रीटी ऑफ पैरिस उनने साइन किया और एक तरह से टाइटल है उनके पास, लेकिन उनका टाइटल जो है ना स्टेट के ऊपर, उस एरिया के ऊपर, वो इनकोहेट है। इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट, नॉट कम्प्लीट। तो एंड और जो इनकोहेट टाइटल होता है ना, वो एक पीसफुल डिस्प्ले ऑफ सॉवरेनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूस एंड पीसफुल डिस्प्ले ऑफ सॉवरेनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसमें जो टाइटल मिलता है उससे ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ द नीदरलैंड वॉज नॉट चैलेंज्ड बाय एनीवन फ्रॉम 1700 टू 1906। ये देखो 200 साल हो गए, 200 साल तक उनने पीसफुल डिस्प्ले ऑफ सॉवरेनिटी करी है, तो इट इज़ एज गुड एज टाइटल। तो वो फेवर में आया डिसीजन नीदरलैंड के, कि हाँ भाई उनका पीसफुल डिस्प्ले ऑफ सॉवरेनिटी चल रहा है और यूएसए के पास जो टाइटल है वो इनकोहेट है, तो इसलिए नीदरलैंड को मिलेगा। नेक्स्ट केस है ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस, डेनमार्क वर्सेस नॉर्वे का केस है, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा केस था, काफ़ी माथाफोड़ी हुई थी इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, डेनमार्क ने नॉर्वे के अगेंस्ट केस फाइल किया था क्योंकि सर्टेन टेरिटरीज ऑफ ईस्टर्न ग्रीनलैंड नॉर्वे ने अपने कब्जे में कर ली थी, ठीक है, और उस पर अपना क्लेम डाल दिया था। लेकिन डेनमार्क बोलता था कि वो टेरिटरीज उनकी सॉवरेनिटी के अंडर में है। तो इसमें क्या कोर्ट ने बोला, एक क्रिटिकल डेट। अब इस केस में क्या, जो 10 जुलाई 1931 से पहले 100-200 साल अगर जाए ना, तो बहुत माथाफोड़ी थी। कभी वो किसी की सॉवरेनिटी थी, कभी किसी राजा के अंडर, कभी किसी गवर्नमेंट के अंडर, तो कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई किसकी है। तो कोर्ट ने बोला भाई ये क्रिटिकल डेट है, ठीक है, 10 जुलाई 1931 क्रिटिकल डेट करी कि भाई इससे पहले जिसका, इससे जस्ट पहले इस डेट से जिसकी सॉवरेनिटी थी उसका है, क्योंकि इसी टाइम पे जो अपनी डेनमार्क की गवर्नमेंट थी उसने कंटेंड किया था कि भाई ये इस डेट तक हमारी सॉवरेनिटी थी, और फिर नॉर्वेजियन डिक्लेरेशन उसके बाद आई थी, ठीक है। तो PCIJ ने कंसिडर किया कि भाई 10 जुलाई 1931 क्रिटिकल डेट है, और इससे पहले अगर डेनमार्क की थी सॉवरेनिटी तो डेनमार्क का हुआ, और अगर नॉर्वे की थी तो नॉर्वे का हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें यही वो क्रिटिकल डेट वाली बात है, ये सारी जो लिखी है कि उससे पहले की सॉवरेनिटी से हमें मतलब नहीं है। लेकिन इसमें बात हुई थी कि ये क्रिटिकल डेट से पहले इफेक्टिव ऑक्यूपेशन किसका था, ठीक है, ये मेन इशू था। तो जिसका इफेक्टिव ऑक्यूपेशन इस क्रिटिकल डेट से पहले है उसकी हो जाएगी टेरिटरी। लेकिन आप लोगों को पता है इफेक्टिव ऑक्यूपेशन क्या है, नहीं पता, तो चलो मैं बताता हूँ। इफेक्टिव ऑक्यूपेशन कैसे, क्या होता है और कैसे शो करते हैं वो हम पढ़ेंगे। इफेक्टिव ऑक्यूपेशन की दो रिक्वायरमेंट है, एक है एनिमस ऑक्यूपेंडाई
एनिमस ऑक्यूपेंडा या एनिमस पोसिडेंडा भी बोलते हैं इसको, वो विल होती है कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ पे सॉवरेन होना है, स्टेट की विल। और कॉर्पस पोजेशनिस या कॉर्पस पोजेशनिस, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, कॉर्पस पोजेशनिस, कैसा अजीब सा नाम है यार, कॉर्पस पोजेशनिस, हाँ कॉर्पस पोजेशनिस का मतलब है एक्चुअल पोजेशन। तो एनिमस ऑक्यूपेंडा विल हो गई, और कॉर्पस पोजेशन जो एक्चुअल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया वहाँ पे रीजनेबल टाइम के लिए, तो आपका कॉर्पस पोजेशनिस है। रीजनेबल टाइम मतलब बहुत कम टाइम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं दो दिन, ठीक ठाक रीजनेबल टाइम, वो केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो शो कर देगा कि हमारे पास एनिमस ऑक्यूपेंडा था, विल भी थी सॉवरेन एक्ट करने की, और हम सॉवरेन थे भी एक्चुअल में, एडमिनिस्ट्रेशन कर भी रहे थे, तो इफेक्टिव ऑक्यूपेशन है आपका। इस केस में एक आइलैंड डिक्लेरेशन भी आ गई थी। आइलैंड डिक्लेरेशन क्या हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे था मिस्टर आइलैंड, इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जिससे नॉर्वे का क्लेम जो था ना सॉवरेनिटी का, वो एकदम नलीफाई हो गया था। लेकिन नॉर्वे ने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, ये जो मिस्टर आइलैंड थे ना, इनके पास अथॉरिटी नहीं थी वो स्टेटमेंट देने की, तो इनकी आइलैंड डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये भी नॉर्वे के अगेंस्ट में चला गया था। तो ये सारे फैक्ट वैक्ट और ये सब सारे का सारा इनका ना एनालाइज करके इन्होंने बताया कोर्ट ने कि एक्चुअली उस एरिया पे डेनमार्क की ही सॉवरेनिटी है, ठीक है। इफेक्टिव ऑक्यूपेशन उन्हीं का था, और आइलैंड डिक्लेरेशन भी आ गई, और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो डेनमार्क के फेवर में फाइनली केस हुआ। सॉवरेनिटी का केस था ये, ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस। नेक्स्ट केस है गाइस, टेंपल ऑफ प्रीवियार केस, कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड। अब ये केस है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, टेरिटरी डिस्प्यूट का, और ये केस है प्रिंसिपल ऑफ एक्वेसेंस का। प्रिंसिपल ऑफ एक्वेसेंस का क्या मतलब होता है, एक्वेसेंस का मतलब होता है मौन स्वीकृति। इंग्लिश में बताऊँ तो, मतलब इंग्लिश में तो नहीं बता रहा हूँ, हिंदी में ही बता रहा हूँ, मतलब कि आप चुप रहे तो आपने स्वीकार कर लिया है कि जो भी बात चल रही है। अब मान लो आपके कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी है वो दूसरे देश अपने में दिखा रहा है, टेरिटरी है, ठीक है, वो अपने देश में दिखा रहा है दूसरे देश बहुत सालों तक, और आप कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हैं बहुत सालों तक, फिर 50 साल बाद आपको एकदम से याद आता है कि नहीं 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 ये तो मेरी टेरिटरी थी, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। प्री टेम्पल भी ऐसा एक टेम्पल था जो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर था, ठीक है। फिर कंबोडिया जब फ्रांस की कॉलोनी थी ना, तब थाईलैंड के साथ अग्रीमेंट हुआ था फ्रांस की कॉलोनी कंबोडिया का कि भाई बॉर्डर बनाएंगे वाटरशेड के हिसाब से। तो एक फ्रेंच साइमिस कमीशन, जो कि अब थाईलैंड का कमीशन मान लो, क्योंकि तब तो फ्रेंच कॉलोनी थी ना, तो उस कमीशन ने मैप बनाया, एक डिटेल्ड मैप, और बाय मिस्टेक प्री विहार को कंबोडिया में डाल दिया। लेकिन वो बाय मिस्टेक वेगली नहीं डाला था, मतलब वो क्लियरली दिख रहा था कि भाई वो प्री विहार का टेम्पल कंबोडिया के बॉर्डर में है। थाई ने कभी, थाई गवर्नमेंट ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा, ठीक है, उनके पास मैप भी आ गया, उनके बाद भी उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं करा। उसके काफ़ी सालों बाद थाई प्रिंस उधर गए, उधर देखा उन्होंने टेम्पल पे फ्रेंच फ्लैग लग रहा है, उनने तब भी ऑब्जेक्ट नहीं करा। उन्होंने ऑब्जेक्ट कब करा, जब यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई प्री विहार तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और अब शायद फ्यूचर में इनको मल्टी मिलियन डॉलर के मतलब फंड्स मिल सकते हैं इसको रिस्टोर करने के लिए। तब भाई थाईलैंड को वापस से जागा लालच की, अरे नहीं नहीं नहीं, उनको याद आ गया, अरे ये तो हमारी टेरिटरी थी, ये तो हमारे था, हमें हिस्टोरिकल ओनर इसके। तो कंबोडिया ने बोला, क्या भटा हिस्टोरिकल ओनर हो तुम, हम इतने सालों से चला रहे हैं, कुछ बोला नहीं तुमने, हमारा फ्लैग लगा, तुम्हारा प्रिंस आके गया फ्लैग लगाया और कुछ नहीं बोला, ऐसे थोड़ी ना होता करके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। तो मेन इशू था कंबोडिया की सॉवरेनिटी है टेरिटरी पे, या थाईलैंड की है, तो कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड। तो इस केस में कोर्ट ने वही प्रिंसिपल ऑफ एक्विसेंस लगाया, उन्होंने बोला कि भाई थाईलैंड की क्या टेरिटरी, वहाँ से मिलिट्री विलिट्री जो तुमने लगाई है वो हटाओ सारी की सारी, क्योंकि था कंबोडिया की टेरिटरी है, कंबोडिया सॉवरेनिटी एक्सरसाइज कर रहा है इतने टाइम से वहाँ पे, ठीक है, और मैप भी तुम्हारे पास आ गया था, कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं किया तुमने, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेंस के हिसाब से कंबोडिया इज़ द राइटफुल ओनर। नेक्स्ट केस है चॉर्जो फैक्ट्री केस, जर्मनी वर्सेस पोलैंड 1928। ये केस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये केस इतना मतलब टेक्निकल नहीं है। ये केस कैसे पूछा जाता है, केस पूछ लेते हैं कि रेपरेशंस का कौन सा केस है। रेपरेशंस मतलब बेसिकली डैमेजेस जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है कोई ट्रीटी व्रिटी या कुछ वायलेट करने पर, रेपरेशंस, ये मेरा पेन ढंग से नहीं चल रहा है ना, रेपरेशंस का केस आएगा ये, तो याद रखना ये। तो चॉर्जो फैक्ट्री केस, इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक अग्रीमेंट हुआ जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी ने बोला कि हाँ भाई कुछ अपर सिलिशिया एरिया है उसको हम आपको दे देंगे पोलैंड को, लेकिन पोलैंड कभी भी फॉरफिट नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो पोलैंड ने फॉरफिट कर दी, ठीक है, दो जर्मन कंपनी थी, चॉर्जो फैक्ट्री भी उसी में होगी, वो भी सिचुएटेड थी उस एरिया में, उन्होंने कर दी फॉरफिट। तो उसके बाद इशू उठा कि भाई जुरिस्डिक्शन है क्या, कोर्ट का वायलेशन ऑफ अग्रीमेंट हुआ है पोलैंड और जर्मनी के बीच में, वो वायलेशन है कि नहीं है। तो कोर्ट ने डिसाइड करा हाँ भाई वो वायलेशन है, हमारे पास जुरिस्डिक्शन है और रेपरेशंस मतलब डैमेजेस दो। तो ये है चॉर्जो फैक्ट्री केस।
नेक्स्ट है लॉलेस केस, लॉलेस वर्सेस आयरलैंड। इस केस में क्या हुआ था, ये केस को जाना जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का ऑलमोस्ट पहला केस जो यूरोपियन कोर्ट ने हैंडल किया था, ठीक है। तो जेरार्ड रिचर्ड लॉलेस थे इसमें, वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर थे, उनको स्पेशल पावर्स ऑफ इनडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल अंडर द ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट एक्ट 1940। देखो इसमें स्पेशल पावर ऑफ इनडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल, अब ये पूरा ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि भाई ये तो सब कुछ ही इलीगल कर रहे हैं, इनडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल, नेचुरल जस्टिस वैचुरल जस्टिस सब नहीं फॉलो करा इन्होंने। लेकिन इसमें कोर्ट ने हेल्प किया था कि भाई आयरिश गवर्नमेंट ने जो ये किया है ना वो टू सिक्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर है, और वो इमरजेंसी की सिचुएशन में करा है, ठीक है। जो और जो कन्वेंशन साइन हुआ था ना जिसके अगेंस्ट ये सब बात हो रही थी, वो कन्वेंशन भी अलाउ करता है डेरोगेशन एक आदमी को राइट्स देने से जब पब्लिक इमरजेंसी हो रही हो, और पब्लिक इमरजेंसी थी उस वक्त उस जगह पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसका जो करा है हमने डिटेंशन वो ठीक है, और फिर कोर्ट ने भी बोला कि हाँ भाई डेरोगेशन फ्रॉम द कन्वेंशन अलाउड है, अगर वो सिचुएशन की एक्सिजेंसीज के हिसाब से अगर डिमांडेबल है तो उस वक्त थी वो सिचुएशन, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है चलेगा, लॉलेस केस है ये। एक तरह से मेरे हिसाब से इसमें अन्याय हुआ था, लेकिन इमरजेंसी है भाई, कंट्री में जब वॉर लाइक सिचुएशन होगी, इंडिया में भी इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तब थोड़ी ना आप राइट्स दोगे। इंडिया में राइट टू लाइफ और ये सब मतलब एकदम फंडामेंटल राइट को छोड़ के राइट टू स्पीच गैदरिंग वैदरिंग वो सब बंद हो जाता है ना, उस टाइप का सीन था इसमें भी। तो गाइज नेक्स्ट केस है द असाइलम केस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, कोलंबिया वर्सेस पेरू है इस केस का नाम। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोलंबियन एम्बेसडर जो था ना लीमा पेरू के अंदर, अब जैसे मान लो ये पेरू है, ये कंट्री पेरू है, तो इसके अंदर एम्बेसी होती है, तो लीमा पेरू के अंदर कोलंबियन एम्बेसी थी और पेरू था नेशन। तो कोलंबियन एम्बेसी ने, कोलंबियन एम्बेसडर ने विक्टर रॉल हया दिल तोरे, विक्टर रॉल हया दिल तोरे को असाइलम दिया जब उसका फैक्शन एक वॉर हार गया पेरू के अंदर, ठीक है। कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसको असाइलम दिया अपनी एम्बेसी के अंदर, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ एम्बेसी का अंदर का एरिया उसी गवर्नमेंट का माना जाता है, मान लो इंडिया में यूएसए की जो एम्बेसी है तो वो एम्बेसी के अंदर अंदर का एरिया है वो यूएसए की टेरिटरी मानी जाती है, ठीक है, ऐसा रूल होता है। तो कोलंबिया ने अपने एम्बेसी के अंडर दे दिया इसको असाइलम, दे सकती है वो, उनका राइट है। लेकिन पेरू की गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है ले लो असाइलम, लेकिन यहाँ से जो बाउंड्री के बाहर तक का रास्ता है ना सेफ पैसेज हम देंगे नहीं, अरेस्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो इस पे कोलंबिया ने डिस्प्यूट करा कि भाई देखो ये तीन अग्रीमेंट हैं, बोलिवियन अग्रीमेंट ऑफ 1911 ऑन एक्सट्राडिशन, हवाना कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, और इनके हिसाब से पॉलिटिकल असाइलम दे सकती है हम एक कंट्री अगर चाहे तो, और उनका यूनिलैटरल डिसीजन बाइंडिंग होगा सब पे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अथॉरिटी से बोला कि नहीं देना पड़ेगा, ये कन्वेंशन में लिखा है। लेकिन पेरू ने बोला कि भाई हमने तो कोई साइन ही नहीं करी इनमें से, जो भी ट्रीटी तुमने बताई है उनमें से हमने कोई रेटिफाई नहीं करी है, पेरू ने ऐसा बोला। तो कोर्ट ने बोला हाँ भाई सही बात है, और दूसरी बात ये जो सेफ पैसेज वाला और असाइलम वाला जो पूरा है ना रूल है जो, ये अभी तो चलो फिर भी काफ़ी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हो गया, तब बना भी नहीं था ये, ठीक है। तो ये जनरली एप्लीकेबल कैरेक्टर का भी नहीं है इंटरनेशनली, तो मना कर दिया इन्होंने कि भाई सेफ पैसेज इस पैसेज कोई पेरू की लाइबिलिटी नहीं है देने की। तो कोर्ट ने पेरू के फेवर में डिसीजन दिया। नेक्स्ट केस है द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेल्फ डिफेंस की बात हुई थी इस केस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं काफ़ी बार। इस केस में क्या हुआ था, निकारागुआ फंड कर रहा था गुरिलास को, ठीक है, एल सल्वाडोर में। तो उसके अगेंस्ट में यूएसए ने डिसाइड किया कि हम निकारागुआ के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। उन्होंने कॉन्ट्रास को ट्रेन किया, कॉन्ट्रास क्या होते हैं, वो गेम खेला होगा ना कॉन्ट्रा वाला, वो प्लेन से उतरते हैं हेलीकॉप्टर से और धड़ 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 और सारा पूरा आइलैंड उड़ा देते हैं, वो मतलब वो गेम था, ये रियल में कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बेसिकली ट्रेंड मर्सनरीज जो हायर करके भेजती है कोई गवर्नमेंट। तो कॉन्ट्रा को ट्रेन किया, आर्म किया और फाइनेंस करा यूएसए ने निकारागुआ के अगेंस्ट। तो यूएसए ने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, जो कि उनकी आदत ही हर जगह टांग अड़ाने की। तो उन्होंने निकारागुआ और किसी और के मैटर में ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ाई जानबूझकर, कॉन्ट्रास्ट भेजे, ठीक है। तो निकारागुआ ने करा नाटक कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो कोर्ट ने डिसाइड करा, यूएसए ने वही अपना लॉजिक दिया कि ये तो सेल्फ डिफेंस है। तो कोर्ट ने बोला भाई ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, पहली बात तो सेल्फ डिफेंस प्रोपोर्शनल होता है ये, और सेल्फ डिफेंस आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एल सल्वाडोर में कर रहे थे ना, यूएसए के अगेंस्ट थोड़ा कर रहे थे, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, तो अपने कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा वापस लो ये सब जो तुम कर रहे हो। तो कोर्ट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन दिया, ये केस पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा था यूएसए के अगेंस्ट। नेक्स्ट है द कैरोलिन केस 1837। ये भी सेल्फ डिफेंस का एक केस है, प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्रिन की बात होती है इसमें, कैरोलिन टेस्ट का। इसमें क्या हुआ था, कुछ लोग कनाडा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे थे प्रोटेस्ट, ब्रिटिश पावर के अंडर था तब कनाडा,
ठीक है, फिर उनने गवर्नमेंट ने जब एक्शन लिया तो वो भग गए एक नायगरा रिवर पे, एक आइलैंड था ठीक है, उसमें उस आइलैंड पे कैरोलिन करके एक छोटी स्टीमर शिप थी, अमेरिकन्स यूज़ करते थे उन कैनेडियंस को सपोर्ट करने के लिए, सामान वामान भिजवाने के लिए और वो सब। तो ब्रिटिश मैन ने क्या करा, उस बोट में आग लगा दी और उसकी उस आग की वजह से एक यूएस सिटीजन मर गया। तो यूएसए ने क्वेश्चन उठाया कि भाई हम अब एक्शन क्यों नहीं ले सकते सेल्फ डिफेंस में, अब तो हमारा मरा है आदमी, ठीक है। ये वो केस निकारागुआ वाला, इसके बहुत बाद हुआ था, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ याद रखने के लिए, कि यूएस ने बोला कि भाई अभी तो हमारा आदमी मरा है, हम ले सकते हैं एक्शन सेल्फ डिफेंस में अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो क्वेश्चन यही था कि भाई सेल्फ डिफेंस ले सकते हो क्या वैसे सिचुएशन में, तो लॉज ऑफ नेशन के हिसाब से बता दिया भाई कि सेल्फ डिफेंस तभी होता है जब इंस्टेंट ओवरवेलमिंग कुछ आ जाता है सामने से थ्रेट, और कोई चॉइस नहीं होता और कोई पीसफुल मींस के डिलिब्रेशन करने का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, पीसफुल अल्टरनेटिव नहीं होते, एकदम लो ही एक्शन वरना मर जाओ टाइप से सिचुएशन होती है, और इस केस में ऐसा नहीं था। एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस की डॉक्ट्रिन, कैरोलिन टेस्ट, प्रीएम्पशन डॉक्ट्रिन, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ये इसमें ले डाउन की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यूज़ ऑफ फोर्स, प्रीएम्प्टिव अगर ले रहे हो फोर्स का यूज़ तो एक इमिनेंट थ्रेट होनी चाहिए और पीसफुल अल्टरनेटिव का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब नेसेसिटी होनी चाहिए, और दूसरा प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए थ्रेट के, जो आप एक्शन ले रहे हो ना रिस्पॉन्स वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी ये अपन ने आईएचएल में पढ़ा था, ठीक है, मिलिट्री एक्शन होता है जब नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं जैसे इंडिया वाले भी काफ़ी गंवार बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे और हर जगह कि पाकिस्तान ने हमारे 4 सैनिक मारे तो हम उन पर न्यूक्लियर बम क्यों नहीं गिरा देते, इसलिए नहीं गिरा देते कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना, ऐसे ही आप कहीं पे भी न्यूक्लियर बम नहीं गिरा सकते जाके, आपके घर का राज नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये कैरोलिन केस था 1837, ये देखो कितना पुराना केस है, बहुत ही ऑलमोस्ट 200 साल पुराना केस है ये। नेक्स्ट केस है गाइस कॉर्फू चैनल केस, ये केस था यूके वर्सेस अल्बेनिया। इस केस में क्या हुआ था, अल्बेनिया आगे लिख दूंगा मैं, ये अच्छी राइटिंग नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल ये था कि जो मैरीटाइम कम्युनिकेशन होता है ना, जो जैसे मान लो जो कोस्टल स्टेट है, अब उस कोस्टल स्टेट के सामने का जो सी है तो वो उस कोस्टल स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको मतलब इंटरनेशनल रूट को वो डेंजर से मुक्त रखे, वहाँ पायरेट्स वायरेट्स और उसकी मेंटेनेंस वगैरह और फलाना डिमाका वो सब उस कोस्टल स्टेट की जिम्मेदारी है। तो कॉर्फू एक चैनल था अल्बेनिया और यूके के बीच में, 1946 में दो ब्रिटिश शिप वहाँ से जा रही थी, वहाँ पे एक सी माइन थी उस पानी के अंदर, वो फट गई, दोनों शिप डैमेज हो गए और काफ़ी सिटीजन मर गए। तो ब्रिटिश ने बोला कि हमें कंपनसेशन दो, और वो ब्रिटिश की जो शिप थी ना वो वॉर शिप्स थी, वो कोई ट्रेड शिप्स या कुछ शिप नहीं थी, ठीक है। तो क्वेश्चन उठा, अल्बेनिया ने डिस्प्यूट करा कि भाई नहीं नहीं तुम वॉर शिप थोड़े ना भेजोगे इसमें से। तो फिर यूके ने वायलेट करा है कि सॉवरेनिटी अल्बेनिया का इंटरनेशनल लॉ के अंडर में, ठीक है, मतलब वहाँ पे रॉयल नेवी को भेज के अल्बेनियन वाटर्स में। तो ये एक क्वेश्चन था, तो अल्बेनिया की इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में है कि नहीं, ब्रिटिश वॉरशिप्स के केस में भी है कि नहीं, ये क्वेश्चन था। तो डिसीजन हुआ कि भाई यूनाइटेड किंगडम ने कोई वायलेशन नहीं करा है, वो तो रूट है, वहाँ से जाएगी अगर जाएगी तो, ठीक है, वॉरशिप भेज के। और अल्बेनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहाँ से सी माइंस विंसा माइंस क्लियर रखे और पैसेज को सेफ रखे, जो उन्होंने नहीं रखा। और ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज वेल रिकग्नाइज प्रिंसिपल है जो मैरीटाइम कम्युनिकेशन का है। तो इसमें आप ये बोल के नहीं कि वो सिर्फ वॉरशिप थी, अपनी लाइबिलिटी से हट सकते हो, आपकी जिम्मेदारी थी। तो इसमें यूके के फेवर में डिसीजन आया। नेक्स्ट केस है गाइस नोटाबोहम केस, लिश्टेनस्टीन वर्सेस ग्वातेमाला 1955। अब इसमें क्या था, फ्रेडरिक नोटाबोहम थे, ये नेशनलिटी का केस है, जर्मनी में ये पैदा हुए थे लेकिन ये ग्वाटामाला में रहते थे, लेकिन उन्होंने ग्वाटामाला की सिटीजनशिप कभी नहीं ली। ये जर्मनी से लिश्टेनस्टीन भी जाते थे जहाँ उनका ब्रदर रहता था काफ़ी बार मिलने विलने, ठीक है, वहाँ की भी इन्होंने सिटीजनशिप नहीं ली थी, ठीक है। फिर 1939 में लिश्टेनस्टीन में रह रहे थे और वर्ल्ड वॉर टू रह नहीं रहे थे, मतलब विजिट ही करने गए थे, वर्ल्ड वॉर टू छिड़ गई, ठीक है। तो इन्होंने हाथों हाथ लिश्टेनस्टीन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इनकी एक्सेप्ट भी हो गई एप्लीकेशन और इनको मिल गई लिश्टेनस्टीन सिटीजनशिप। और जर्मन लॉ के हिसाब से आप दो सिटीजनशिप शायद नहीं रख सकते होगे, तो जर्मन लॉ के हिसाब से इनकी जर्मन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई, लिश्टेनस्टीन सिटीजनशिप लेने से पहले जर्मन सिटीजन थे, ठीक है। उसके बाद ये वापस ग्वाटामाला आए और ग्वाटामाला इस बार लिश्टेनस्टीन पासपोर्ट पाए, क्योंकि वहाँ के सिटीजन हो गए थे ना। तो ग्वाटामाला ने बाद में जर्मनी के अगेंस्ट वाली टीम एलाइज में साइड ले ली थी और नोटाबोहम को जर्मन सिटीजन मान के अरेस्ट कर लिया, एनिमी एलियन मान के, ठीक है, और उसको यूएस के ओवर यूएस को हैंड ओवर कर दिया, सारी उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली, ठीक है। अब इसमें केस था कि
फिर ये केस हुआ ग्वाटामाला वर्सेस लिस्टेंसिन, लिस्टेंसिन ने करा कि हमारे सिटीजन को तुमने कैसे कर दिया, ये सब जर्मन सिटीजन थोड़ा था, हमारे साथ थोड़ा वॉर थी। तो बाद में ये अनजस्ट ट्रीटमेंट बोला गया लिस्टेंसटीन की तरफ से और केस फाइल किया गया ग्वाटामाला के अगेंस्ट। ठीक है, तो ग्वाटामाला ने क्लेम करा कि लिस्टेंसटीन सिटीजन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं है अपना जो नॉट ए बॉम है। ठीक है, वो होगा उनके लिस्टेंसटीन के लॉ के हिसाब से होगा लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं है। तो कोर्ट ने भी अग्री करा और एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया, नॉट अ बॉम प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। इसके हिसाब से जो नेशनल होता है ना उसका एक मीनिंगफुल कनेक्शन होना चाहिए स्टेट के साथ, ऐसे ही नहीं नेशनल हो जाता, कोई मीनिंगफुल कनेक्शन होगा तभी नेशनल होगा। और इस केस में नॉट अ बॉम का जो नेचुरलाइजेशन है ना सिटीजन बनने का लिस्टेंसटीन का, वो कोई जेन्युइन लिंक पे नहीं है, वो बस सिर्फ सोल पर्पस ऑफ एनेबलिंग हिम टू रिप्लेस हिज स्टेटस एज नेशनल ऑफ अ बेलिजरेंट स्टेट जो कि जर्मनी। ठीक है, तो सिर्फ जर्मनी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने सिटीजनशिप ली थी और कोई कनेक्शन नहीं है उनका लिस्टेंसटीन से, ना वो रहते हैं बस उनका भाई रहता है, मिलने जाते थे। ठीक है, ना वो बिजनेस करते हैं ना कुछ करते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ फेवर में डिसीजन दिया किसके, ग्वाटामाला के। तो गाइज ये फाइनली ख़त्म हो गया यार, इतना लंबा वीडियो सोचो रिकॉर्ड करने में क्या हालत हो गई मेरी, बोल बोल के। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो गाइज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में तो यार, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के केसेस के डिटेल्स है ना मिलते भी नहीं है, और मेरे को पसंद नहीं है कि बस केस का नाम पढ़ के एक लाइन पढ़ लो और उसको रट लो, पता होना चाहिए एक्चुअली केस में हुआ क्या। तो मैंने ट्राई करा कि मैं आपको डिटेल दे सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी रिसर्च लगी इसमें, वीडियो भी बहुत जल्दी आना था इसलिए इतना लेट हो गया। तो गाइस प्लीज़ अगर लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सब्सक्राइब कर लो यार और लाइक भी कर दो अगर अच्छा लगा ये एफर्ट मेरा, तो आधे घंटे से ऊपर चला गया यार वीडियो। चलो गाइस थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, अब चालू करते हैं कोई और टॉपिक। कमेंट्स में बताओ गाइस नेक्स्ट अपन क्या चालू करें, फैमिली लॉ चालू करें या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चालू करें।